हैप्पी ईद फ्रेंड्स, आज चलिए सीर कुर्मा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी ईद स्पेशल है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। सबसे पहले 2 चम्मच गुनगुने दूध में 15-20 केसर डाल दीजिए, जिससे वो अच्छे से उसमें कलर और फ्लेवर आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं ईद स्पेशल बनाने जा रही हूँ सीर कुर्मा। तो जिसके लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं दूध ली हूँ और ये दूध पहले से गर्म किया हुआ था, इसलिए इसमें मलाई भी पूरा है। इधर 1/2 लीटर दूध मैं बॉयल होने के लिए रखी हूँ। उसके बाद देखिए, इधर मैं एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसे मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। इधर घी गर्म हो गया है तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी इच्छा के हिसाब से आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं डालें, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा जाता है। इसमें बादाम है, फ्लेम को कम कर दें। काजू कुछ ले लीजिए। तो मैं 10-12 दाने ली हूँ और इसमें देखिए पिस्ता भी डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये इसे हम घी में इसे भून लेते हैं। हाई फ्लेम पे ना भूने, स्लो मीडियम फ्लेम पे भूने। और उसमें इसमें मैं ना थोड़ा सा ये मगज डाल रही हूँ, इसे खरबूजे के बीज भी बोलते हैं। तो इसकी मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं भून लेती हूँ। ये देखिए, बस ये 2 मिनट लगा है इसे रोस्ट होने में। और इसमें जो खरबूजे के बीज है ना, वो थोड़ा चटकते हैं, तो थोड़ा सावधानी से। और एक्चुअल में क्या है कि मैं इसे थोड़ा दरदरा पीस रही हूँ। अगर आपको ना पीसना हो तो सारे ड्राई फ्रूट्स को, काजू बादाम पिस्ते को आप बारीक बारीक काट लें, उसके बाद भी ऐड कर सकती हैं घी में भुनने के बाद। कढ़ाई में फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स निकाल ली हूँ भुनने के लिए और सेमिया इसमें भून लेती हूँ। आपके पास जो भी हो, बारीक वाला या जो भी हो। उधर सेमिया भी भून रहा है, मैं फ्लेम को स्लो मीडियम पे रखी हूँ। और ये जो ड्राई फ्रूट्स जो देखिए, ये बिल्कुल दरदरे पीसी हूँ, इसे इसमें डाल देती हूँ। अब अच्छे से ये पकेगा और जब सेवई भून लूँगी ना घी में, उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दूँगी। ये दूध भी अच्छे से उबल रहा है और इसमें मैं ना 1 चम्मच खसखस डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब मेन तो ये है, मैं अभी सेमिया भून गया वो डाल रही हूँ। अगर आपका बारीक वाला सेमिया हो ना, जो बहुत पतली सी आती है, तो उसे आप बिल्कुल इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पका लें ड्राई फ्रूट्स के साथ, उसके बाद सेमिया को डालें, क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाता है। पर ये मेरा थोड़ा सा, ये देखिए बॉम्बिनो कंपनी का है, ये थोड़ा सा मोटा होता है ना, इसलिए मैं साथ में डाल दी हूँ। इसे बीच बीच में चलाते रहें कि नीचे चिपके ना। अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ और 1/2 कप सेमिया था हमारा, और ये 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी तो अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये केसर जो है ना, केसर वाला दूध, वो भी अब डाल देते हैं साथ में। फ्रेंड्स, अब इसमें मैं मिल्क मेड डाल रही हूँ। मिल्क मेड भी काफ़ी मीठा होता है, तो आप उसी हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से। कम खाते हो तो कम डालें। और ऐसे इतना जितना मैं डाली हूँ ना, उतना में बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे मिक्स करते हुए आप इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इस सेमिया को, सीर कोरमा को आप ऐसे मिक्स करते रहें, जिससे आपका 5 मिनट और लगेगा इसे तैयार होने में। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा ही थोड़ा पतला खाना चाहते हो तो ये रेडी हो गया है। मिल्क में डालने के बाद इसे कंटिन्यू थोड़ा चलाएं बीच बीच में, क्योंकि नीचे चिपक ना जाए। और मैं पहले हाई फ्लेम था, अभी थोड़ा मीडियम फ्लेम की हूँ और इसे 5 मिनट तक और पकने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा ज़रूर कि आपको सीर कोरमा कैसा लगा। और ये ईद स्पेशल है, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। फ्रेंड्स, इसमें मैं ना 4 टेबल स्पून मिल्क मेड डाली हूँ।